दूल्हे के साथ परीक्षा देने कॉलेज पहुंची दुल्हन। परीक्षा के बाद कॉलेज में हुआ जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी में अनोखा मंजर देखने को मिला, जहां एक दुल्हन शादी के दूसरे दिन विदाई होते ही अपने दूल्हे और बारात को लेकर एग्जाम देने कॉलेज पहुंची। दरअसल दूल्हे सचिन यादव निवासी सिवनी की बारात धूमधाम से दुल्हन पूजा यादव निवासी केवलारी के यहां पहुंची, जहां दोनों का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। शादी के दूसरे दिन दुल्हन पूजा के M.A. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा शासकीय महाविद्यालय केवलारी में होने थे, जिसके लेकर पूजा परेशान थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी और पेपर भी देना चाहती थी, परंतु कहीं ना कहीं सामाजिक बंधन में बंधने जा रही पूजा अपनी शादी और शिक्षा के बीच की परेशानी से चिंतित थी, क्योंकि घर में दुल्हन पूजा की शादी थी और दूसरे दिन उसको एग्जाम भी देना था। अपने दूल्हे और बारात को लेकर दुल्हन परीक्षा देने पहुंची कॉलेज। जैसे ही दुल्हन पूजा की शादी और दूसरे दिन एग्जाम होने की जानकारी महाविद्यालय को प्राप्त हुई, तो महाविद्यालय केवलारी के प्राचार्य S.N. देहरिया सहित स्टाफ ने दुल्हन और दूल्हे के परिजनों को समझाइश देते हुए दुल्हन पूजा को एग्जाम दिलाने की बात कही और परिजनों ने दुल्हन की पढ़ाई के प्रति रुचि और सबकी समझाइश के बाद मान गए। फिर क्या था, दुल्हन की विदाई के बाद दुल्हन अपने दूल्हे और बारात के साथ कॉलेज पहुंच गई, जहां दूल्हे ने दुल्हन को एग्जाम हॉल में बैठकर उसका एग्जाम खत्म तक इंतजार किया। इसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं ने दुल्हन की धूमधाम से विदाई की गई। लोग कर रहे जमकर तारीफ। शिक्षा को महत्व देने वाले ससुराल वालों की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने दुल्हन के पढ़ाई के महत्व को समझा। सोशल मीडिया पर भी लोग बारातियों की तारीफ में तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। शिक्षा को महत्व देने के लिए दूल्हा और उसने पूरे परिवार की तारीफ की जा रही है। क्या नाम है आपका और आज आप एग्जाम देने आए हैं शादी के बाद? अच्छी तेज बोलो। मेरा नाम पूजा यादव है और मैं एमए फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ और कल शादी थी, तो विवाह मतलब कल 12 फरवरी को हमारी शादी थी और आज हम लोग का पेपर था, तो मेरे परिवार में और सभी बड़े बुजुर्गों ने, सभी लोगों ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे पेपर दिलाने के लिए सोचा। नाम सचिन यादव, कल सिमनी से बारात आई है, कल 12 तारीख को, जिसमें पता चला कि मैंने मैसेज का 13 तारीख को पेपर था, वो हमने ये डिसाइड करा कि हमारा विदाई थोड़ा बाद में करा जाए और 13 तारीख को पहले पेपर दिलाया जाए, जिसमें मैं शिक्षक को थोड़ा बढ़ावा देना चाहता हूँ और जिसमें और आप सब स्कूल शासकीय महाविद्यालय अच्छी महाविद्यालय की लाड़ी, जिसमें सब सर लोगों ने हमारा सहयोग करे और सब लोग जितने बालक बालिक है सब ने अच्छा प्रदर्शित मतलब बहुत अच्छा हमारा सम्मान करे। सर, जो आज आपके महाविद्यालय में विवाह के उपरांत एक छात्रा ने एग्ज़ाम दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे महाविद्यालय में लगभग 75% बच्चियां हैं और लगभग ग्रेजुएशन के आते तक सभी गार्जियंसों को चिंता हो जाती कि हम अपनी बच्चियों की शादी करें, तो इसी कड़ी में आज मेरे यहाँ से एमए प्रथम वर्ष की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा कुमारी पूजा यादव की शादी थी। पूजा यादव की कल 12 फरवरी को शादी थी और आज विदा होनी थी, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने मुझे ये बताया कि कल हमारे एक बिटिया की शादी है, तो हमने बच्ची को फोन में दूरभाष द्वारा वो किया, संपर्क किया और कहा कि बेटा आप पहले परीक्षा दो, क्योंकि परीक्षा बहुत ज़रूरी है और इधर आपने साल भर पढ़ा है और हम इसके लिए आपके मम्मी पापा आपके पति देव और उन जो भी गार्जियन से आपके उनसे भी सलाह हमने उनको भी दिया और उन्होंने हमारी बात मानी, तो इसका मतलब ये है कि आज की जो बच्चियां हैं जो महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं जो बच्चे छात्र छात्राएँ हैं वो अपने कैरियर के प्रति चिंतित हैं, तो और शिक्षा का प्रतिशत इसलिए दिनों दिन बढ़ते भी जा रहा है,
आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार कहें चाहे केंद्र सरकार कहें, हमारी बच्चियों की शिक्षा को बहुत आगे के लिए आगे को प्रोत्साहन दे रही है। और मैं सभी छात्राओं से भी आग्रह करूंगा कि भविष्य में भी इसी प्रकार यदि मतलब आपके यदि पेपर हैं तो आप परीक्षा जरूर दीजिए, उसके बाद आपकी विदाई होगी। और आज हमारा महाविद्यालय बड़ा गौरवान्वित है, हमारा महाविद्यालय परिवार, हमारे सभी शिक्षक साथी, हमारे सभी स्टाफ साथी ने भरपूर हमारी बच्ची को विदाई कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय से। आज हमको ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरी बच्ची की विदाई हो रही है। मुझे चलिए इस बात का खुशी है कि आज उनके हस्बैंड साथ में हैं, पत्नी दूल्हा राजा।